नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र मुजीता। स्वागत है आप सभी का गुजराती चैट जोन में। आज मैं आपको दुनिया की दो सबसे फेमस एंड गेम के बारे में बताने वाला हूं। फेमस एंड गेम यानी एक तो है फिलिडोर ड्रॉ पोजीशन और दूसरी जो है वो है ल्यूसिना विनिंग पोजीशन। व्हाट इज फिलिडोर ड्रॉ पोजीशन? अगर आपके पास सिर्फ एक रुक बचा है और आपके अपोनेंट के पास रुक और साथ में एक पॉन बचा है, तब भी आप गेम को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है डिफेंडिंग किंग शुड बी ऑन द क्वीनिंग स्क्वायर। मतलब आपका किंग होना चाहिए सामने वाले के पॉन जहाँ पे क्वीन बन रहा है वहीं पे, उसी रैंक में, लास्ट रैंक में, और पॉन को रोके हुए। और दूसरा रूल है कि आपका जो रूक है वो सिक्स रैंक पे होना चाहिए, तभी आप फिलिडोर ड्रॉ पोजिशन कर सकते हैं। तो कैसे होगा ड्रॉ ये मैं आपको बताऊंगा। अगर इन दिस पोजीशन वाइट जब भी पॉन सिक्स रैंक पे मूव करता है, तब आपको कुछ भी सोचे बिना रुक को बिहाइंड पॉन ले जाना है ए वन स्क्वायर पे। अब नेक्स्ट टारगेट अगर किंग ए सिक्स करता है तो उसके बाद ये है बुक ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे अनस्टॉपेबल अनअवॉइडेबल चेक्स हो जाएंगे, जैसे कि रुक इवन चेक। उसके बाद किंग के पास कोई स्पेस नहीं है, तो किंग डी फाइव रुक डी फाइव स्क्वायर, देन इफ किंग गोस टू सी सिक्स अगेन रुक सी वन स्क्वायर, वापस किंग डी फाइव, और ये से अगर वो आपके रुक की ओर आना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रुक डी वन चेक के बाद अगर किंग इस तरफ आता है तो आप आसानी से उसका पॉन मार्केट में ड्रॉ कर सकते हो, वरना ये पोजीशन ऑलरेडी ड्रॉ है। तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको खास ध्यान ये रखना है कि आपका रुक होना चाहिए सिक्स रैंक पे और सामने वाले का पॉन आपने कट ऑफ किया हुआ है सिक्स रैंक। जब भी वो अपना पॉन आगे मूव करता है तब भी आपको रुक को पीछे की ओर ले जाना है अनगिनत चेक देने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर पॉन डाउन है लेकिन आपके पास रुक है, तब भी ऐसी सिचुएशन में आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इसके और भी मूव्स है लेकिन वो मूव्स कोई मायने नहीं रखते, जैसे कि वाइट अगर आपको चेक देता है नो प्रॉब्लम, किंग ऊपर अगर फिर से चेक देता है तो किंग यहाँ पे रोके रखो, अगर ये फिर से चेक देता है तो किंग वापस से नीचे ले आओ। तो ऐसे ही आप चेक चेक से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन आपने अगर बिना सोचे रुक को पहले से यहाँ पे पीछे ले लिया तो आपकी लॉस भी हो सकती है, जैसे कि किंग यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अगर आप साइड से चेक देने की गलती करोगे तो फिर पॉन इंटरपोज हो जाएगा और बाद में आपके मेट। तो ये खास ध्यान रखना है कि जब भी सामने वाला अपना पॉन सिक्स रैंक पे मूव करता है तभी आपको रुक को पीछे की ओर ले जाना। तो ये है फिलिडोर की ड्रॉ पोजीशन। दूसरी पोजीशन ल्यूसिना पोजीशन में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आपके पास अगर एक्स्ट्रा पॉन है तो आप विनिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके बहुत सारे सिचुएशन आती है, बहुत सारे गेम्स में मैंने देखा है कि सामने वाला किंग से आपके पॉन को कट ऑफ करके रखा है और दूसरा वाला अपने रुक से किंग की लाइन रोक रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये पोजीशन है जिसमें वाइट को विनिंग करना है लेकिन इसमें ल्यूसिना विनिंग पोजीशन है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले साइड से चेक देना है और देखिए, आप पहली सिचुएशन देखिए कि यहाँ पे ब्लैक ने आपकी एफ फाइल कट ऑफ कर रखी है जहाँ पे हमारा किंग बाहर नहीं निकल सकता, और किंग ने हमारे ये दोनों स्क्वायर जो डी सेवन और डी एट है दोनों कंट्रोल कर रखे हैं ताकि किंग इस साइड से भी बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसे सिचुएशन में पहले आपको रुक से चेक देना है और किंग जैसे ही ये लाइन छोड़ता है फिर आपको रुक को क्वीनिंग स्क्वायर से फिफ्थ रैंक पे रखना है। ध्यान रखो, नीचे से फिफ्थ रैंक नहीं, क्वीनिंग स्क्वायर से फिफ्थ रैंक, वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ। अब आपको रुक को खेलना है फिफ्थ रैंक। अब यहाँ पे ब्लैक कुछ न कुछ वेटिंग मूव करेगा। सपोज उसने रुक को इसी लाइन में रख के वेटिंग किया ताकि आपका किंग बाहर नहीं आ सके,
अब आपको करना है किंग को D7। किंग धीरे धीरे आप बाहर ला सकते हो, लेकिन जिग जैग करके लाना है। जैसे कि ब्लैक आपको चेक देगा, अब आपका किंग आएगा C6 पे, ब्लैक यहाँ पे E1 से चेक देता है। अब आपको किंग को लाना है D6 पे, अगर ब्लैक फिर से D1 से चेक देता है, अब आपका किंग आ जाएगा यहाँ पे E5 पे, और फाइनली इसे रुक E1 चेक में आप अपना रुक फिक्स रैंक पे लाने के बाद इंटरपोज कर सकते हो, और यहाँ पे वाइट विन हो जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे अगर रुक पे रुक किया तो किंग से रुक मारने के बाद ब्लैक का किंग बर्गर स्क्वायर से काफी बाहर है, और जैसे वो मूव करेगा और आसानी से आपका पॉन प्रमोट हो जाएगा। तो ये है ल्यूसिना पोजीशन, फिर से एक बार देख लीजिए ल्यूसिना में कैसे विन निकाली जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे पहले से देखते हैं कट ऑफ किया हुआ है रुक ने, अगर कोई भी लाइन से तो आपने सामने वाले का किंग ऐसे कट ऑफ किया है, तो सबसे पहली बात आपको उसे साइड से चेक देना है। अब जैसे ही उसका किंग दूर होता है, अगर किंग D6 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल किंग D8 आने के बाद अनस्टॉपेबल क्वीन हो जाती है। तो यहाँ पे किंग D6 नहीं आ सकता और किंग को ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, और किंग के लाइन छोड़ने के बाद आपको किंग को बाहर निकालने के लिए अपना रूक क्वीनिंग स्क्वायर से फिफ्थ रैंक पे लाना है। क्वीनिंग यानी यहाँ पे क्वीन बनती है वो लाइन से गिनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब यहाँ पे ब्लैक कुछ वेटिंग कर सकता है, तभी आपको किंग को ऊपर लाना है। अब जैसे ही ब्लैक चेक देगा, अगर चेक नहीं देगा तो आप आसानी से यहाँ पे क्वीन बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे चेक देना कंपलसरी हो जाएगा यहाँ पे। तो रुक D2 चेक, यहाँ पे आपका किंग आएगा E6 पे, रुक E2 चेक, देन किंग C6, रुक D2 चेक, अब किंग आ जाएगा फिफ्थ रैंक पे, और फाइनली यहाँ पे रुक E2 चेक और आपका रिव इंटरपोज हो जाएगा एंड व्हाइट विन। तो ये दोनों फिलिडोर ड्रॉ पोजीशन और ल्यूसिना विनिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। आप इसका अच्छी तरह से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये एंडिंग बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, और बहुत सारे गेम्स में ये एंडिंग काम में आएगी। ओके, तो मिलेंगे हम हमारे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।